नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज रोजगार से जुड़े समाचार में हम आपसे बात करेंगे बीएसएफ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस राजस्थान, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई डीएम जीडीई 3, हेड कांस्टेबल एचसी प्लम्बर, कांस्टेबल सीवरमैन, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 72 है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होने के साथ साथ ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मैट्रिक पास के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना रेलेवेंट ट्रेड में अनिवार्य है। इसके साथ ही अनुभव का होना भी अनिवार्य किया गया है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए, एससी एसटी ईएक्सएस और सभी श्रेणी की महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप rect.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एमपीएचसी जबलपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग। वहीं अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1255 है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हिंदी में शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा सीपीसीटी स्कोर कार्ड भी जरूरी है। वहीं अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट का होना अनिवार्य किया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल तय की गई है। वहीं एज रिलैक्सेशन भी कुछ श्रेणी के लोगों को जरूर दिया जाएगा। वहीं अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और बाकी सभी दूसरे राज्य के रहने वालों को 777.02 रुपए देने होंगे। एससी एसटी ओबीसी को 577.02 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप mphc.gov.in/recruitment-result पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 17 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में, बीकॉम या फिर सीए या एमबीए फाइनेंस में और 4 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 35 साल और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स दिया जाएगा। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी को 500 रुपए, ईडब्ल्यूएस को 300 रुपए और एससी एसटी पीएच और सभी श्रेणी की महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा आखिरी तारीख 29 नवंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप nhai.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस राजस्थान की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल टेलीकॉम, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल ड्राइवर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 4438 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 12वीं कक्षा में इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कांस्टेबल जीडी के लिए ये शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई है। वहीं इंटर पास फिजिक्स के साथ या मैथ्स या कंप्यूटर एक विषय के तौर पर होना कांस्टेबल टेलीकॉम पद के लिए अनिवार्य है। वहीं वैलिड एलएमवी एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए और मैट्रिक पास कांस्टेबल बैंड के लिए होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों का न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल तय किया गया है। वहीं अधिकतम उम्र सीमा 24 साल और 27 साल कांस्टेबल ड्राइवर के लिए और वहीं अगर हम महिला कैंडिडेट की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 29 साल और 32 साल कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और दूसरे राज्य के रहने वालों के लिए 500 रुपए और अगर किन्हीं की इनकम 2.5 लाख से कम है तो उनके लिए 400 रुपए और एससी एसटी के लिए 400 रुपए है। आखिरी तारीख 3 दिसंबर 2021 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मेडिकल स्पेशलिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 641 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री रेलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 25 साल और अधिकतम
35 साल तय की गई है। वहीं एज रिलैक्सेशन जो है वो कुछ अभ्यर्थियों को इसमें दिया जा सकता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और दूसरे राज्य के रहने वालों के लिए 400 रुपए, एससी एसटी ओबीसी के लिए 300 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। रोजगार से जुड़े समाचार में आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।